बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो आज सुबह दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंचे। राहुल सुबह 4 बजे यहां पर पहुंच गए। राहुल ने लोगों से भी बातचीत की और उसी वक्त की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। वहां के दुकानदारों से राहुल की मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि राहुल ने यहाँ पर सब्जी के दामों की जानकारी ली। कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। ऐसे में राहुल गांधी आज सुबह 4 बजे का वक्त जब वो मंडी पहुंच गए और लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में बातचीत करने लगे। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे सहयोगी इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं, लगभग कितनी देर तक वो यहाँ रहे और अचानक मंडी में पहुंच जाना, दामों को लेकर लोगों से बातचीत करना, क्या खबर इस बारे में कुमार विक्रांत? जी देखिए, राहुल गांधी अपने घुटने का इलाज करा के 10 दिन बाद केरल से लौटे थे और उसके बाद जो उनका पहला कदम था वो आजादपुर मंडी में था। सियासी तौर पर कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन है नया इंडिया, वो लगातार महंगाई और बेरोजगारी को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने की बात करता रहा है और इसी सिलसिले में राहुल गांधी आजादपुर मंडी पहुंचे। जिस तरीके से टमाटर, अदरक और तमाम सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, इसी को लेकर राहुल गांधी वहां पहुंचे और इसको अब वो सियासी मुद्दे के तौर पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इसी लिहाज से राहुल गांधी ने आजादपुर मंडी का आज दौरा किया। शुक्रिया, आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत।